नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर स्टीव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। उमरिया जिले के आदिवासी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार लिया है। रविवार को उमरिया जिले में हजारों की तादाद में आदिवासी किसान पहुँचे और नगर के मुख्य मार्गों में प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया। आदिवासी किसानों ने कलेक्टर का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। वनाधिकार के तहत कुछ पट्टे निरस्त किए गए हैं। ये चाहते हैं कि इसकी जांच करा के और जो यहाँ पे पहले से काबिज हैं उनको वनाधिकार के तहत पट्टे प्रदान किए जाए, इसी की इनकी मांग है। इनकी शिकायत है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी उचित है वो कार्रवाई होगी। सर, इस रैली में कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वही आदिवासियों का आरोप है कि उनकी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन सरकार ने संविधान के नियमों को ताक पर रखकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों को ठगने का काम किया है। पर विकास के नाम पर आदिवासियों की ही जमीन ली गई। अभी जल संसाधन विभाग ने 40 बांध बनवाए और पूरे 40 बांधों में आदिवासियों के पट्टे की जमीन ली गई है। एक बांध में कम से कम 200 एकड़ 250 एकड़ जमीन चली गई। तो ये कानून का पालन सरकार को भी करना चाहिए कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं ले सकता है, फिर सरकार इतनी बड़ी तादाद में जमीन कैसे ले ली। ये सब इससे पूरे क्षेत्र के आदिवासियों में बहुत चिंता है और बहुत भय भी व्याप्त है। आदिवासियों ने यह भी मांग रखी है कि सामुदायिक दावों, वन अधिकारियों एवं राजस्व भूमि में काजिल आदिवासियों को मालिकाना हक दिलाने संबंधित जो मामले कई वर्षों से लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निदान किया जाए। लेकिन हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उन गरीब भाइयों को हक अधिकार मिले ताकि अपना खेती बाड़ी कर सकें और साथ साथ हमारे अतरिया ग्राम में जो बांध बनाए जा रहे हैं वो भी उसमें रोक लगाया जाए। बीते 10 सालों में राजस्व विभाग की उदासीनता के कारण जिले के आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित रह गए और अपने हक के लिए सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर है। ये इस बात का परीक्षण कौन करेगा कि आदिवासी पुश्तों से जहां रह रहा है, घर बना के रह रहा है, खेती करके रह रहा है, उसको उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर्यटन कर रहे हैं, वो उनको जमीन बड़े पैमाने पर मिल रही है। तो ये जो विरोधाभास है इसको लेकर के आदिवासी समाज में गुस्सा है, आदिवासी समाज में क्षोभ है और आदिवासी समाज आंदोलित है। सरकार को संवेदनापूर्वक इस मसले को देखना पड़ेगा और ये विस्थापन रोकना पड़ेगा और उनकी जो जायज मांगे हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।